है गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेमा ब्लॉग उज्जैन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो नाश्ता बनाने जा रहे थे तो सोचा पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर नाश्ता बनाते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या बना रहे हैं हम। तो अभी शायद पानी पड़ गया है उसमें, तेल में तो फट फट हो रहा है, तो मैं दूर बैठी हूँ। ये सब भजिया बना रहे थे आज, तो ये बन गया इसका बैटर, ऐसा बना है, बहुत अच्छा बना है। इसमें प्याज, बेसन और आलू और धनिया पत्ती और मिर्ची, लहसुन, अदरक डाल दिए हैं और इसका पेस्ट बन गया है, पूरा इसका बैटर बन गया है। देखो कितना अच्छा बना है। प्याज ज़्यादा डालें भजिया में, कभी भी भजिया बनाओ तो उसमें प्याज ज़्यादा और बेसन कम डालो तो टेस्टी एकदम बनती है, कुरकुरी, तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है उसका। और नमक उमक सब डालकर रख दिए हैं बस, अब रेस्ट के लिए। अब तेल गरम हो जाएगा तो उसको तलेंगे। तो मैंने सोचा कि अभी बना लेते हैं, फिर वो हमारे यहाँ वो जब कड़े दिन लग जाते हैं ना उसमें नहीं बनता है बेसन को कुछ भी चीज़, तो अभी बना लेते हैं। अभी मन कर रहा था कि बहुत दिनों से भजिया नहीं खाए हैं और हमेशा डाइट में ही चलते रहते हैं, फिर भी मोटे हो जाते हैं। तो चलो अब मैंने सोचा थोड़ा सा डाइट को साइड में रखा जाए और भजिया आज तल कर खाया जाए। तो बना लेते हैं भजिया। इसमें चम्मच से चाहे तो बनाओ, चाहे तो हाथ से बनाओ, कैसी भी हो, एड़ी टेढ़ी बनती है तो और अच्छी लगती है। देखो एड़ी टेढ़ी बन रही है तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगता है और लगता है कि हाँ अच्छी भजिया है। तो मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, वैसे कैसे भी करके डाल देती हूँ वैसे, बस तलना है कुरकुरी धीमी आंच में बस। और इसका ये नहीं है, सेब का कुछ भी नहीं है, कैसे भी एड़ी टेढ़ी हो तो अच्छी लगती हैं। तो भजिया का तो सभी को बनाना आता है, भजी में कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो मैं ऐसी बना रही थी तो मैंने सोचा चलो आपको बता देते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ भजिया। वजिया तो सभी लोग बनाते हैं और एक ही जैसे बनाते हैं, कोई थोड़ा बहुत डिफरेंट करता होगा लेकिन वे मोस्टली लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो अभी हमने हाथ में पकड़ा हुआ है ये मोबाइल, इसलिए सेक कर रहा है। तो चलो अब हम बनाते हैं भजिया और आप सबसे फिर बाद में मिलते हैं नाश्ता टाइम नहीं तो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप सबसे। देखिए गाइस बन गई है भजिया, तल कर तैयार है खाने के लिए रेडी। कितनी सुंदर क्रिस्पी भजिया बनी है, ये देखो अपनी दीदी को बैठी हैं प्लेटफॉर्म में। फिर बैठी हैं खाने के लिए, अब बन रहा है, बच्चों को दे दिए हैं, अब अंजलि खाएंगी फिर मैं बनने के बाद। कितनी सुंदर मुँह में पानी आ जाता है। टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा बना है। कैसा बना है हे गाइस, गुड इवनिंग। तो इवनिंग का टाइम हुआ है और मेरे बेटा पिएगा दूध। ये देखो अब मेरे बच्चों के लिए पीछे पीछे भागना पड़ता है इन बच्चों को कि एकदम दूध पिलाने के लिए। ले बेटा देखो, सब दोस्त देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि दूध पीते छोटा सा बच्चा है। अभी नहीं पिएगा, गुड़ खा रहा है, इसको गुड़ बहुत पसंद है, वो वाला ये तो पी लेता है बड़ा वाला, ये नहीं पी पाता है। तो अभी हम इन लोगों को दे रहे हैं दूध और
और हम मेरी चाय तो हो गई है, मैं चाय और पी ली हूँ। बस अब बस यही है कि इनको दूध दे दूँगी और कुछ नाश्ता बनाना होगा तो बनाऊँगी। एकदम गैस वो भरी है, इसको खाली करना पड़ेगा। अभी तो बंद ही नहीं की। मौसम अच्छा होता है बारिश का तो अच्छा लगता है, कुछ खाने का चटपटा सा अच्छा लगता है। सुबह टाइम तो मैंने पकौड़ी बनाई थी तो बहुत अच्छा लगा। बरसात का मौसम रहता है तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कुछ खाए पकौड़ी और ऐसी चटपटा, तो इस समय चटपटा ही खाने का मन करता है। तो अब इस टाइम देखते हैं क्या बनाते हैं, बट जो से पूछेंगे जो बोल देंगे वही बना देंगे। ये देखिए पीछे से देख रहा है। क्या खाओगे? क्या खाओगे? क्या बनाऊं? रोटी। रोटी तो सबको खाना है। कुछ नहीं खाना है अभी तो, दूध पी होगे थोड़ी देर बाद बनाएंगे। लाइट जला देते हैं सारी, वो तो अभी यहाँ ढीला भी रहता है थोड़ा सा ज़्यादा भी। लाइट जला दिए खाना, बाहर का भी थोड़ी कम है, अब शाम होने लगी। अब शाम हो, पहले सुबह थी अब शाम हो गई है ना। खा लिए? अब दूध पी लो। तो ये गाइस हम कुछ बनाएंगे तो दिखाएंगे, खाना बनाएंगे सीधा। अब नाश्ता तो बोल रहे बच्चे करेंगे नहीं, दूध पी ली हूँ तो नाश्ता नहीं करेंगे, तब सीधा खाना ही बनाएंगे। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी सोचना पड़ता है रोज़ की क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। सबके साथ ऐसा होता होगा कि क्या बनाया जाए आज, क्या बनाया जाए बनाया, और फिर बाद में आवाज़ क्यों कर रहे हो इतना? वो बहुत आवाज़ करते हो, बहुत शोर मचाते हैं सबसे ज़्यादा ये। और लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल दो। सब्सक्राइब करना। घंटी को तो जरूर दबाना। घंटी नहीं, घंटी को जरूर दबाना। तो चलो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप सबसे। तो खाना लगा ले रहे हम, खाना लगा लो फिर खाते हैं। खाना खाने का टाइम हो गया है। ये देखो ये बच्चे सब खा लिए हैं, बस मैं और अंजलि बचे हैं तो अभी खा लेंगे। घी लगा रहे हैं रोटी में। तो ये लोग खाते हैं। चलो ये है खाना, रोटी सब्जी। तो चलो हम लोग खा लेते हैं। बाय बाय गाइस, खाना खा रहे हैं। चलो लेकर चलो, पानी भी लेकर चलना। तो हमने सोचा कि आप सबसे गुड नाइट बोल देते हैं खाने से पहले, और फिर इसके बाद में खाएंगे फिर। अच्छा, गुड नाइट तो है ही, आप सोने वाले हैं तो हाँ। चलो और सब खा लेते हैं और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो मिलते हैं कल। तो मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आता हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, और उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी। देखो मैं कहीं भी शूट करने लगती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई दिखावट में करती नहीं, मुझसे ये होता ही नहीं, ओरिजिनल जो होता है एकदम। तो
तो वही रियल वाला दिखा देते हैं, रियल कैसे रहते हैं हम पूरे दिन और रात कैसे मेरी जाता है सुबह से लेकर शाम तक। तो ऐसे ही दिखाते हैं। अगर आपको मेरी रियलिटी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। और मेरे बच्चा भी नहीं आया, बोल रहा था चलो मम्मी वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो बना के नहीं बनाएंगे।